राज्य सरकार ने आरक्षण रोस्टर प्रणाली जारी कर दिया है। वहीं आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण के साथ साथ एसटी एससी समेत पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने को लेकर जिलेवार सूची जारी हुई है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस को मिलाकर जिलावार सभी पदों में 60% आरक्षण लागू हो गया है। नए आरक्षण रोस्टर के मुताबिक लोहरदगा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। आपको बता दें कि झारखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने जो आरक्षण रोस्टर जारी किया है उसमें झारखंड के अनेक जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शून्य हो गया है। यह सरकार के पिछड़ा वर्ग विरोधी रवैया को दिखाता है। सरकार के इस निर्णय से एक बड़ा वर्ग अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहा है। सरकार को अविलंब इसमें सुधार करना चाहिए। देखिए, झारखंड सरकार ने जो भी नया आरक्षण रोस्टर जारी किया है उसमें इस सरकार का पिछड़ा विरोधी चेहरा जो है वो साफ उजागर हो गया है। एक तरफ ये सरकार बात करती है कि हम पिछड़ों को राजनीतिक रूप से नौकरियों में उनका हक देंगे, लेकिन इस आरक्षण रोस्टर में झारखंड के अनेकों जिले हैं जिसमें पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। ये घोर चिंता का विषय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये सरकार के पिछड़ा विरोधी चेहरा को दिखाता है। झारखंड की बड़ी आबादी जो है वो पिछड़ों की है, तो आखिर ये पिछड़े जाएंगे कहां? ये सरकार को अपने पिछड़े विरोधी रवैये को, पिछड़े वर्ग के खिलाफ जो इसका रवैया है, इसको बंद करना चाहिए और करेक्टिव मेजर्स उठाना चाहिए ताकि पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिल सके। लेकिन सरकार पूरे तरीके से पिछड़ा वर्ग के प्रति अपनी सोच के लिए एक्सपोज हो गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।